डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी का स्वर का, जो हम जैसे एक स्वर हमने सीखा लास्ट क्लास में अ, आज हम दूसरा लेटर सीखेंगे यानी दूसरा वर्ण स्वर का। तो आज का हमारा जो दूसरा वर्ण है स्वर का वो है आ। तो आ कैसे लिखते हैं? अ, अ के पास ऐसे स्टैंडिंग लाइन, जैसे डंडी कहते हैं, अ के पास आ होता है। लास्ट क्लास में अगर आपको अ समझ में नहीं आया है तो आप फिर से जो है वो एक बार देख लें कि अ से अनार, ठीक है, अ से अनार। और फिर अ कैसे लिखते हैं ये आप देख सकते हैं, सी, फिर दूसरा सी, थ्री जैसा बनाना है और उसके पैर थोड़े लंबे, और फिर थ्री के बीच में यानी बिटवीन में एक स्लीपिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन के पास एक स्टैंडिंग लाइन, थ्री स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और ये स्टैंडिंग लाइन के ऊपर एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन के ऊपर, ये हो गया आपका अ। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आज हम आ सीख रहे हैं, आ से आम यानी मैंगो। तो अ कैसे करना है नहीं आ रहा है तो फिर से आप सीख सकते हो कैसे करना है। तो ये आपका हो गया सी, ठीक है, सी। फिर यहाँ से सी जो हमने किया था नीचे एक और सी थ्री जैसा और उसके पैर थोड़े लंबे करने हैं, फिर से सी और एक थ्री जैसा नीचे कर देना है, ऐसे थ्री के सी के नीचे एक और सी और पैर लंबे करने से थ्री हो जाएगा। और थ्री का जो ये बीच का पार्ट है ना, बिटवीन का, वहाँ से एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन, फिर से थ्री ऐसा करना है, बीच में स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन, फिर से थ्री करना है ऐसे, बीच में स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और अ, अ के पास एक स्टैंडिंग लाइन, और ये स्टैंडिंग लाइन और ये स्टैंडिंग लाइन के ऊपर एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन आप देख सकते हो। अ से अनार और अ के पास आ की मात्रा, आ, आ से आम। तो आज आपको पूरा एक पेज ऐसे स्टेप वाइज का करना है, पूरा डबल लाइन की जो आपकी ये पेज है ना बुक का उसमें करना है। फिर से हम लोग सीखेंगे सी, सी के नीचे एक और सी हो जाएगा थ्री, उसके पैर थोड़े लंबे, फिर से अब आपको आ गया थ्री स्लीपिंग लाइन, यहाँ से फिर से थ्री, उसके पैर थोड़े से ऐसे लंबे कर दें जैसे थ्री सो रहा है, स्लीपिंग लाइन इन बिटवीन से स्टैंडिंग लाइन, फिर से थ्री और उसको ऐसे लंबा कर देना उसके पैर, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और फिर से एक स्टैंडिंग लाइन, दोनों स्टैंडिंग लाइन के ऊपर ही सिर्फ स्लीपिंग लाइन करना है, यहाँ नहीं, सिर्फ ये दो लाइन के ऊपर स्टैंडिंग लाइन, हो गया। तो ऐसे आपको पूरा आपका नोटबुक का वन पेज करना है स्टेप वाइज। और आपको बॉक्स कितने बनाने हैं आप देख लो, कैसे लाइन बनानी है, वन टू थ्री फोर और ये फाइव, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव लाइन आपकी हो जाएगी। और इसमें आपको फर्स्ट बॉक्स में ये सी, सेकंड बॉक्स में थ्री, थर्ड बॉक्स में थ्री, थ्री के बिटवीन आप एक स्लीपिंग लाइन, फोर्थ बॉक्स में थ्री स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन, फिफ्थ बॉक्स में थ्री स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, एक पास और स्टैंडिंग लाइन और उसके ऊपर स्लीपिंग लाइन, अ से अनार। और आज आपका वर्क जो है ये बनाना है आ का, ठीक है। ये आपका सैटरडे का वर्क था, ऑलरेडी हो गया, जिसका नहीं हुआ है तो स्टेप वाइज आपको करना है, और जिसका हो गया है उसको ये आज का ही वर्क करना है, 15 डेट का ट्यूसडे का, आ से आम। अगर आपको आ से आम लिखना नहीं आता कोई बात नहीं, सिर्फ आ लिखो और ऐसे स्टेप वाइज आपको पूरा पेज करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।